लोग कहाँ से आए हो? राजस्थान से। कब चले थे आप लोग? हम चले थे 3 तारीख को। बोले कि जयकारे बोल कांवड़ यात्रा। बिल्कुल, उसकी हमने एक मीटिंग भी कर ली है, पूरी तैयारी है हमारी। और गंगोत्री और गौमुख के बीच में थोड़ा सा काफ़ी उधर स्नो मेल्ट हुआ था और काफ़ी बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी। हमारी जो तीन जो आपकी वन विभाग की पुलिया हैं वो उसमें बह गई थी और हमारी जो रिप्लेस करने के लिए पुलिया हमारी बन चुकी हैं और लेबर भी हमारे तैयार है, पुलिया भी हमारे तैयार है। और जैसे वो पानी का जो वॉल्यूम है थोड़ा कम होता है ताकि हम लोग उसमें पुलिया लगा पाए, तो उसका इंतजार होता है। जैसे ही पानी का वॉल्यूम कम होता है हम लोग अपनी पुलियाँ लगा देंगे और गंगोत्री और गौमुख के बीच में जो यात्री के लिए जो दिक्कतें हो रही वो शायद नहीं हो पाएगी। ये 4 जुलाई को भारी हिमखंड पिघलने से व भारी बरसात होने के कारण चेड़वासा और भुजगढ़ी में जो हमारी पुलिया थी वो बह गई थी। वहाँ पर काफ़ी मात्रा में मलबा व पत्थर इकट्ठा हुआ है जिस कारण से हम पुलिया का निर्माण नहीं कर पाए। साथ ही साथ चेड़वासा और भुजगढ़ी नाले में भारी पानी था जो कि हम पिछले दिनों से लगातार निगरानी कर रहे थे। जैसे ही पानी कम होगा हमने वहाँ पे पुलिया का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और चेड़वासा की पुलिया का निर्माण कार्य हमने लगभग पूरा कर दिया है। अब भुजगढ़ी का पूरा करने वाले हैं, उसके बाद एक बार पूरे रास्ते को फिर से मरम्मत करके हम लगभग 2-3 दिन में पूरा रास्ता खोल देंगे। 20-21 तक हमारा रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। अन्य साथ दिया तो 20-21 तारीख तक हम पूरा रास्ता श्रद्धालुओं के लिए खोल देंगे। ट्रॉली हमने रिपेयर कर दी है एक बार और उसमें जो भी खामियां थी वो लगभग हमने ठीक करवा दी थी। और फिर मैं भी उसे देखने गया था, 3 जुलाई को गया था जब पुलिया गई थी तो ट्रॉली हमने देखी थी। अभी तो वो काम कर रही है ट्रॉली और अब अगले महीने जैसे ही हमारा ये बरसात का सीज़न खत्म होगा उसके बाद हम उसके फिर से उसको देखेंगे और अगर जहाँ पे रिपेयर करने की बात आएगी हम उसके रिपेयर कर देंगे।